प्रस्तुतकर्ता असी संपूर्ण पशु आहार, बेहतर दूध, बेहतर स्वास्थ्य सालों साल। प्रस्तुतकर्ता असी संपूर्ण पशु आहार, बेहतर दूध, बेहतर स्वास्थ्य सालों साल। और अब पाठ समाचार की शुरुआत करते हैं। माघी पूर्णिमा के मौके पर आस्था की डुबकी श्रद्धालु लगा रहे हैं, उसकी तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं। पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाई जा रही है, दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। हरिद्वार और प्रयागराज की ये तस्वीरें हैं, आप देखिए किस तरीके से लगातार, चाहे हरिद्वार की बात करें या प्रयागराज की बात करें या दूसरी पवित्र नदियों के किनारे, जिस तरीके से आस्था की डुबकी लगाई जा रही है, वहां बात करें तो ऐसी कुछ तस्वीर निकल कर सामने आ रही है जहां लगातार स्नान का दौर चल रहा है। आपको बता दें कि हरिद्वार में ब्रह्मकुंड पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है, लगातार लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है, बेहतर प्रबंध किया गया है और इस बीच गंगा आरती भी की गई। मंत्रोच्चार के साथ घंटा घड़ियाल बजाते हुए लोगों ने आरती भी ली और इस पल के साक्षी भी लोग बने। ब्रह्म मुहूर्त के साथ स्नान का दौर लगातार चल रहा है हरिद्वार में, तो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं जिस तरीके से सुरक्षा भी की गई है, व्यापक इंतजाम भी किए गए हैं, उसकी जानकारी पल पल की पहुंचाई जा रही है दर्शकों तक। तो प्रयागराज हरिद्वार की तस्वीरें आपको दिखा रहा है, आस्था की डुबकी किस तरीके से लगाई जा रही है। तो हरिद्वार की तस्वीरें उस वक्त की दिखा रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त के साथ जिस तरीके से इस महास्नान की शुरुआत हुई है, भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। हालांकि कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए स्नान का दौर चल रहा है, डुबकी लगाने के बाद हर कोई यहां से तुरंत निकल रहा है। एक तरफ सरकार की गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है तो दूसरी ओर आस्था की डुबकी भी लगाई जा रही है गंगा में। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज, माघ मेले की तस्वीर जहां आज माघ पूर्णिमा और ऐसे में श्रद्धालु लगातार स्नान कर रहे हैं। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आज स्नान करने से सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। हरिद्वार में माघी पूर्णिमा के मौके पर देश के कई राज्यों से आए श्रद्धालु गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। अर्की पौड़ी से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता सुरेंद्र सीला। माघ पूर्णिमा के मौके पर हरिद्वार हर की पैड़ी में विहंगम दृश्य देखने को मिल रहा है। नज़ारा अगर आप देखेंगे तो देखिए किस तरह से कोविड के इंतज़ार के बाद, क्योंकि ये पहला स्नान है जिसमें सुबह से ही भीड़ दिख रही है, देर रात से ही शुभ मुहूर्त के बाद इस तरह से देखिए लोग आस्था की डुबकी के लिए पहुँच रहे हैं। ब्रह्मकुंड की ये तस्वीरें देखिए किस तरह लोग गंगा स्नान कर रहे हैं, माँ गंगा की अर्चना कर रहे हैं, अपने पितरों का तर्पण कर रहे हैं, भगवान वासुदेव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। कहा जाता है कि आज के दिन जब गंगा स्नान या पवित्र नदियों में स्नान करते वक्त ओम नमः भगवते वासुदेव इस पूरे मंत्र का अगर उच्चारण किया जाता है तो भगवान प्रसन्न होते हैं, लोगों को उनकी भक्ति का पुण्य मिलता है, फल मिलता है। सामने देखिए किस तरह से ये बड़ी भीड़ दिख रही है, पुलिस के जवान भी आपको नज़र आ रहे हैं, किस तरह वो लगातार लोगों को गाइड कर रहे हैं। एक समय के बाद आपको अपना घाट छोड़ना होगा ताकि दूसरे लोग स्नान कर सकें। हर की पैड़ी पर जो स्नान कर रहे हैं वहाँ पर ज़्यादा भीड़ ना हो, ज़्यादा दिक्कतें ना हो, क्राउड कंट्रोल बना रहे, ट्रैफिक मैनेजमेंट नज़र आए, ये सारी चीज़ों पर ये टीमें लगी हैं। कोविड-19 के तहत इस बार नियम थोड़ा सख्त हैं, लोगों को एक बार बार टोका जा रहा है कि अगर वो मास्क नहीं पहनते हैं तो दिक्कतें औरों को भी हो सकती हैं, इसलिए लगातार कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन किया जा रहा है। इस ओर अगर आपको दिखाऊंगा तो आप देखिए लगातार जो सुरक्षा है उसको भी मुस्तैद किया गया है। सामने भी देखिए आप वॉच टावर में भी आपको इस तरह से पुलिसकर्मी नज़र आएंगे, अर्धसैनिक बलों की भी अच्छी खासी तैनाती है, ITBP के अलावा BSF के जवान तैनात हैं, RAF के जवानों को तैनात किया गया है, वॉच टावर के अलावा CCTV कैमरे हैं, किसी भी तरह से लोगों को दिक्कतें ना हो, लोगों भीड़ भाड़ ज़्यादा ना हो, इसके लिए पूरा प्लानिंग की गई है, कहाँ से लोगों ने आना है, किस तरह से उन्हें एग्जिट का पॉइंट दिया जाएगा। ये पीछे की ओर देखिए हर की पैड़ी के पीछे की ओर इस तरह से आपको लोग दिख रहे हैं, जो लोग स्नान कर चुके हैं अब वो यहाँ से अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं।
वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज स्टेट, हर की पैड़ी, हरिद्वार। और सीधे रुख करते हैं हरिद्वार का। लगातार हमारे साथ सहयोगी सुरेंद्र डसीला हर की पैड़ी से दर्शकों तक जानकारी पहुंचा रहे हैं, और उनके साथ संजय गुंजाल जो कि आईजी कुंभ वो भी मौजूद है। तो तस्वीरों के साथ क्या कुछ व्यवस्था है और अधिकारी से जरा बातचीत आप कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए राहुल मेरे साथ आईजी कुंभ संजय गुंजाल सर हैं। सर आज क्योंकि माघ पूर्णिमा का स्नान है और आपके लिए ही लिटमस टेस्ट है कुंभ के तौर पे, क्या आप लोगों की तैयारियां हैं और भीड़ कैसे देख रहे हैं? देखिए ये स्नान प्रथम जो हमारा शाही स्नान शिवरात्रि के दिन रहता है, जिसमें कि समस्त हमारे शैवी सन्यासी अखाड़ों के द्वारा प्रतिभाग लिया जाता है, उससे पहले का स्नान है। और इस स्नान में यद्यपि मौसम खराब था, सुबह बारिश थी, और जो धार्मिक मान्यता भी है, इसका धार्मिक महत्व है कि इसमें स्वयं देवी देवता भी स्नान के लिए आते हैं, तो काफ़ी उत्साह है लोगों में मौसम विपरीत होने के बावजूद भी। और जो हमारे शाही स्नान प्रथम रहेगा, यद्यपि वो कुंभ मेला पीरियड या अवधि नोटिफिकेशन के नहीं है, परंतु उसकी व्यवस्थाओं में, उसकी दिव्यता और भव्यता में कहीं भी किसी भी स्तर पे कमी नहीं छोड़ी गई है। और जितने भी हमारे सन्यासी अखाड़े के प्रतिनिधिगण है, पदाधिकारी है, उनके साथ हमारी लगातार मीटिंग्स हो रही है, और आज भी शाम को हम लोगों ने एक मीटिंग रखी है ताकि जो व्यवस्थाएं है हमारे स्तर पे, यदि कहीं कोई ऐसी बिंदु है जिस पे की चर्चा की आवश्यकता है तो उसको किया जाए। सर कोविड प्रोटोकॉल के लिए क्या कुछ है? हम देख रहे हैं आप लोग पुलिसकर्मी टोक भी रहे हैं कि मास्क पहनिए, और चालान भी हो रहे हैं। देखिए जितना भी हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसकी कोशिश तो की जा रही है, लेकिन जो व्यवहारिक कठिनाई है जब इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं, और पूरा जो हरिद्वार का जो सिटी एरिया है वो भगदड़ के लिहाज से, स्टैम्पेड के लिहाज से काफ़ी संवेदनशील है, और घाट विशेषकर यहाँ का पूर्व इतिहास भी रहा है, तो ऐसे में व्यवहारिक कठिनाइयाँ है कि हम जो सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह विशेषकर स्नान के दौरान उसका परिपालन कराने में व्यवहारिक कठिनाई तो है, लेकिन जो बाकी हम अगर देखेंगे जगह जगह लोगों को अवेयर कराना, बताना और मास्क पहनवाना, इस पे कोई कमी नहीं छोड़ी है। सर सुरक्षा के लिहाज से एनएसजी की टीमें भी आपके पास आई हैं, क्या तैयारियां हैं सुरक्षा को लेके, कितनी टीमें बाहर से? देखिए पूर्व में एनएसजी के कमांडोज की जो स्पेशलाइज्ड टीम है वो रहती नहीं थी, लेकिन इस बार आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से और विशेषकर जिस तरह से चारों तरफ से एंट्री और एग्जिट ओपन है, तो उस लिहाज से हरिद्वार में जो हमारे स्टैटिक लोकेशंस है, जो कि विशेषकर ऐसे क्षेत्र जहां से पूरे एरिया को कवर किया जा सकता है या किसी भी तरह के बोल्ड अटैक के लिहाज से भी, एनएसजी की टीम यहां तैनात भी है, और हमारी कुछ ऐसी भी टीम है जो कि ऑन कॉल लगातार मुख्य मुख्य स्नान के दौरान उपलब्ध रहेगी। बिल्कुल, देखिए राहुल आईजी कुंभ सर बता रहे हैं, संजय गुंजियाल सर, कि किस तरह की सुरक्षा है, किस तरह एनएसजी के साये में भी ये पूरी सुरक्षा को रखा गया है, और ये ज़रूरी भी है, दिल्ली में धमाके के बाद ये सारी सुरक्षाएं बेहद ज़रूरी हैं। जी राहुल, अब ज़रा सुरेंद्र तस्वीरें दिखा दीजिए दर्शकों को। बिल्कुल राहुल, देखिए ये पीछे आप देखेंगे तो किस तरह का नज़ारा आपको नज़र आ रहा है हर की पैड़ी पर। हालांकि ये भी कहा जाता है कि ये जो स्नान है ये जब सूर्योदय से पहले देखेंगे तो उसमें भीड़ आपको बहुत ज़्यादा दिखती है, सूर्योदय के बाद ये भीड़ थोड़ा सा कम होती है, लेकिन हरिद्वार में हम स्नान में देखते हैं कि हर पहर भीड़ अलग अलग दिखती है, कभी आपको भीड़ ज़्यादा लगती है, कभी कम लगती है। अगर सुबह की तुलना में बात करेंगे तो भीड़ अभी थोड़ा कम है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि कुछ समय के बाद लोग फिर बड़ी संख्या में आते हैं। और हरिद्वार के स्नान की जब हम बात करें तो ये इस तरह से आप देखिए, ये पूरी हर की पैड़ी पर आपको ब्रह्मकुंड से लेकर अस्थि प्रवाह घाट से लेकर चारों ओर आपको इस तरह के श्रद्धालुओं की भीड़ दिख रही है जो स्नान के लिए पहुंचे। देव डोलियां भी पहाड़ों से लाई जाती हैं, उनको भी स्नान कराया जाता है, और माघ पूर्णिमा के मौके पर यह कहा जाता है कि इसमें देवी देवता भी स्नान करते हैं, गंगा में उतर कर वो स्नान करते हैं, और उसी का पुण्य कमाने के लिए ये भीड़ आपको नजर आ रही है। ब्रह्मकुंड की ओर मेरे वीजे आपको दिखाएंगे, देखिए ब्रह्मकुंड पर किस तरह सुबह की तस्वीरें थी, अब थोड़ा जब उजाला हुआ है तो भीड़ थोड़ा कम हुई है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी ये बता रहे हैं कि ये भीड़ धीरे धीरे बढ़ेगी, क्योंकि जिस तरह बसों से, ट्रेन से लोग बड़ी संख्या में आए हैं, तो तस्वीरें और ज्यादा भव्यता वाली होने वाली हैं। राहुल,
जाहिर तौर पर भव्यता वाली तस्वीर होने वाली है, तस्वीरें आप लगातार सुरेंद्र दिखा रहे हैं। अगर मैनेजमेंट की बात की जाए, इससे पहले संजय गुंज्याल आईजी कुंभ, उन्होंने सारी चीज़ें बताई, एक ट्रैफिक मैनेजमेंट है, दूसरी ओर उस सिस्टम का मैनेजमेंट है जिसके तहत स्नान होना है, और तीसरी तरफ कोविड गाइडलाइंस का पालन हो उस सिस्टम का भी मैनेजमेंट है। तो ऐसे में सुबह से लगातार आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए बिल्कुल, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल का पालन बेहद ज़रूरी है, और पीछे अगर आपको दिखाऊं तो आप देखिए जो भी घाट हैं, और ख़ास तौर पर जब ब्रह्मकुंड की हम बात कर रहे हैं, तो आप देखिए सुबह से पुलिसकर्मी इस तरह घाट पे हैं। वो इसलिए मौजूद हैं ताकि अनावश्यक लोग समय ना लें। आप अपना स्नान करिए, आप अपना तर्पण कीजिए, आपको पूजा अर्चना करिए, आप वो भी करिए, लेकिन एक समय के बाद आपको घाट दूसरे लोगों को भी देना होगा। इसके लिए पुलिसकर्मी हैं, और ये बेहतर प्रयोग है, ये बेहतर तरीका है, क्योंकि जो लोग अन्य जगह से आ रहे हैं उनके साथ बच्चे हैं, बूढ़े हैं, महिलाएं हैं, अगर सबको पर्याप्त स्थान मिलता है तो बेहतर है। और दूसरी बात, जो कोविड प्रोटोकॉल की आपने कही, तो जगह जगह पे लोगों को टोका जा रहा है, अगर वो स्नान कर रहे हैं तो उसके बाद उनको मास्क पहन के यहाँ से जाना होगा, अगर वो मास्क नहीं पहनते हैं तो उनका चालान हो सकता है, उनको चेतावनी तक दी जा रही है। और इधर अगर अस्थि प्रवाह घाट की ओर आपको दिखाऊंगा तो आप देखिए यहाँ पर भी अच्छी खासी भीड़ है, सामने अर्धसैनिक बल भी आपको नज़र आ रहे हैं, BSF, ITBP, RAF, इन सबको यहाँ तैनात किया गया है। कोशिश यही है कि पुलिस यह चाहती है कि लोग सुरक्षित तरीके से स्नान कर पाएं। ये ऐसा स्नान है जिसमें आपको सुरक्षा के साथ कहीं ना कहीं सतर्कता की भी ज़रूरत है। कोविड के प्रोटोकॉल आपके लिए बड़ी चुनौती हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग यहाँ स्नान के लिए पहुँच रहे हैं राहुल, वो ये चाहते हैं कि वो पुण्य कमाएं और उनका परिवार भी सुरक्षित रहे, और ये तभी हो सकता है जब हम कोविड-19 के प्रोटोकॉल का बेहतर तरीके से पालन कर पाएंगे। राहुल, सुरेंद्र, रुख करते हैं प्रयाग का। प्रयाग में जिस तरीके से लगातार बने हुए हैं मानवेंद्र, प्रयागराज की तस्वीर लगातार मानवेंद्र आप दिखा रहे हैं, हालांकि गंगा घाट की तस्वीर आपने सुबह दिखाई, उस रास्ते पर खड़े हैं जहां से लोग लगातार संगम की तरफ रुख कर रहे हैं। जाहिर तौर पर आज मोक्ष प्राप्ति का दिन है, यानी कि आज के स्नान माघ पूर्णिमा के मौके पर स्नान किया जाता है तो सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है, देवी देवताओं की कृपा होती है। अब अगर बात की जाए सारी व्यवस्थाओं की, तो क्या कुछ लगातार आप देख पा रहे हैं, और किस तरीके से क्या बदलते वक्त के साथ, यानी कि घड़ी की सुई जिस तरीके से बढ़ रही है, क्या भीड़ भी बढ़ रही है संगम किनारे? जी बिल्कुल, लोगों की भीड़ बढ़ रही है। अगर इस वक्त की बात करें तो जो शहरी जो श्रद्धालु हैं, भीड़ है, वो अब धीरे धीरे संगम के घाटों का रुख कर रही है। और अगर हम बात करें तो 17 स्नान घाट बनाए गए हैं, 8 किलोमीटर का दायरा है, 8 किलोमीटर का दायरा इसलिए रखा गया है ताकि कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो सके, सोशल डिस्टेंस का पालन हो सके। इसलिए 8 किलोमीटर लंबे घाट हैं, आप अंदाज़ा लगाएं कि संगम क्षेत्र में 8 किलोमीटर के दायरे में लोग स्नान कर सकते हैं। घाट बनाया गया है बाकायदा, और जिस तरह से डीप वाटर बैरिकेटिंग होती है घाट में, किनारे बालू की बोरियां होती है, उसके बाद कांसा बिछाया जाता है ताकि फिसलन ना हो, और श्रद्धालुओं के लिए वहां पर चेंजिंग रूम भी बनाया गया है। तो व्यवस्था व्यापक पैमाने पर की जाती है, चूँकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। अगर आज की बात करें तो 20 से 25 लाख का अनुमान है, 30 लाख लोगों ने मौनी अमावस्या पर स्नान किया था। अगर हम इस पूरे मेले का देखें तो 1 करोड़ के करीब श्रद्धालु यहां पर आ चुके हैं। और जब सरकार ने ये फैसला लिया तो एक बड़ा फैसला था, क्योंकि कोरोना 14 जनवरी को पहला स्नान था, उसके पहले कोरोना को लेकर के तमाम तरह की चिंताएं थी और मामले काफ़ी थे, लेकिन जिस तरह से सरकार ने फैसला लिया कि हम सभी प्रोटोकॉल के साथ इस मेले को संपन्न कराएंगे, तो कई लोगों ने उस पर सवाल उठाए थे। लेकिन जैसे अब मेला, आज माघ मेले का आखिरी स्नान है, आखिरी एक तरह से कह सकते हैं महाशिवरात्रि का जो स्नान होता है वो माघ मास के बाद होता है। हालांकि अगर सरकारी दृष्टिकोण से देखा जाए तो भी माघ मेले में कवर होता है, लेकिन आज माघ मास समाप्त हो जाएगा, एक तरह से माघ मेला खत्म हो जाएगा। और इस दौरान, पूरे माघ मास के दौरान, पौष पूर्णिमा से लेके माघ पूर्णिमा तक किसी भी तरह की कोई इस तरह की सूचना नहीं आई, कोविड संक्रमण कहीं पर फैला नहीं है, कोई इस तरह की चीज़ नहीं हुई। जो लोग बाहर से आ रहे थे, खासकर जो जो पुलिस के लोग थे, प्रशासन के लोग थे, जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी, उनका बाकायदे रैपिड एक्शन
रैपिड टेस्ट किया जाता था, RT-PCR किया जाता था और उसके बाद ही मेले में उनको आने दिया जाता था। जो तमाम श्रद्धालु हैं, कल्पवासी हैं, जो यहाँ पर स्थायी रूप से एक महीने तक रहते हैं, उनका भी रैपिड टेस्ट होता था और RT-PCR होता था। उसकी रिपोर्ट के बाद ही उनको अनुमति दी गई। जो रेगुलर जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी बात अगर करें तो उनके लिए भी व्यवस्था की गई थी कि वो अगर मेला क्षेत्र में जो तमाम एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ पर उनका टेस्ट किया जाता है। हालांकि इतनी बड़ी भीड़ का आप रैपिड टेस्ट नहीं कर सकते हैं, एंटीजन टेस्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह के नियम बनाए गए थे सोशल डिस्टेंस को लेकर के, मास्क को लेकर के, उसको आप पालन अच्छे से कराया गया और उसी के चलते किसी अप्रिय घटना की सूचना माघ मेले में इस मेले के दौरान देखने को नहीं मिली है। और लोगों की भीड़ जो है, अगर हम बात कर लें तो शायद कोरोना काल के बाद एक महीने के दौरान एक करोड़ लोगों के आसपास का अनुमान, जैसा कि मेला प्रशासन का अनुमान है, 1 करोड़ से ज़्यादा लोग इस मेले में आ चुके हैं और वापस जा रहे हैं। और आज की बात करें अगर तो आज कल्पवासी, जो तमाम कल्पवासी यहाँ पर लाखों की संख्या में कल्पवासी बसते हैं हर साल, तो उनका आज अंतिम स्नान है। आज वो माघी पूर्णिमा का स्नान करके, चूँकि पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा, ये जो एक माघ मास होता है इस दौरान वो यहाँ पर रहते हैं, पौष पूर्णिमा से उनका कल्पवास शुरू होता है, माघ पूर्णिमा पर कल्पवास समाप्त होता है। तो आज वो आस्था की डुबकी लगाएंगे माँ गंगा में और भारी मन से विदा ले रहे हैं यहाँ से, माँ गंगा से। एक महीना माँ गंगा की शरण में थे, पूजा करते थे, उनके लिए एक कल्पवास का नियम होता है, एक प्रकार का व्रत है। 3 टाइम गंगा स्नान करना है, 1 टाइम भोजन करना है। जमीन मानवेंद्र आएंगे आपके पास, हालांकि और भी तस्वीर दर्शकों तक पहुंचाएंगे। सुरेंद्र लगातार हमारे साथ हरिद्वार से जुड़े हुए, पल पल की तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। रुकते हैं कुछ पलों के लिए, खबरें जारी। तो माघ पूर्णिमा पर महास्नान, मंगल स्नान जारी, एक बार फिर रुक करते हैं हरिद्वार का। लगातार हमारे साथ सुरेंद्र जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, जाहिर तौर पर जिस तरीके से ये बार बार बात कही जा रही है कि कुंभ का दायरा बड़ा होता, शाही स्नान का दौर होता, दिव्य और भव्य चीजें निकल के आती, पेशवाई की तस्वीर लोग देखते, लेकिन इस बीच आज तस्वीर कुछ अलग है, लोग पहुंच भी रहे हैं। सवाल आपसे यह है कि जिस तरीके से प्रबंधन, आपने एक सवाल भी संजय गुंज्याल IG कुंभ से पूछा कि लिटमस टेस्ट है, ये लोग पहुंच रहे हैं, हालांकि सुबह कुछ और भीड़ थी, अभी कुछ और भीड़ है, आगे और भीड़ बढ़ेगी। एक सवाल आपसे यह है कि तमाम जो मैनेजमेंट है, सिस्टम जो है, उसे दुरुस्त कर लिया गया है या फिर अभी भी संभावनाएं हैं कि कुछ बाकी है काम करने को लेकर, क्योंकि आज के इस स्नान से इतना तो तय है कि बहुत कुछ साफ हो जाएगा। देखिए राहुल, आपके सवाल का मैं जवाब दूंगा, उससे पहले मेरे साथ पंडित जी हैं, इनसे हम अपने दर्शकों को ये जानकारी दिलवाएंगे कि पंडित जी ये बताइए कि आज के स्नान का महत्व क्या है, किस तरह लोगों को पूजा अर्चना आप लोग कराते हैं आज के लिए? सबसे पहले हरिद्वार आप देखें, हरिद्वार आएँ, हरिद्वार पधारें। आज कुंभ का जो है चौथा स्नान है, पूर्णिमा, माघी पूर्णिमा, आज विष्णु भगवान का विशेष पूजा अर्चना की जाती है। सबसे पहले मोक्षदायिनी गंगा मैया को प्रणाम करते हैं, बोलो गंगा मैया की जय, हर हर गंगे, जय माँ गंगे। माँ गंगा को प्रणाम करते हैं, ओम नमामि गंगे तवपाद पंकजम सुरासुरैरं वन्दित्य दिव्य रूपं मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नरणाम। गंगा गंगे तियो ब्रियात योजना नाम सतेरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति विष्णु पादांज संभूते। माँ गंगा विष्णु भगवान के चरण स्पर्श से माँ गंगा मोक्षदायिनी है, पतित पावनी मोक्षदायिनी। आज गंगा जी में स्नान करने से, विशेषकर प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से विशेष फल महत्व मिलता है। आज के दिन गंगा स्नान करने से फूल प्रसाद रोली चावल धूप दीप नौवेद माँ गंगा को भोग लगाते हैं और भगवान नारायण का कथा, सत्यनारायण भगवान का पूजन अर्चना किया जाता है। आज का विशेष महत्व है, आज माघ मास का प्रयागराज में जो है, जिस प्रकार से जो है पूरे महीने का जो है आज माघ मास का समापन भी है और हरिद्वार में आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में श्रद्धालु आस्था पे मन प्रफुल्लित होकर के गंगा जी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और यह सब बिल्कुल देखिए, बिल्कुल देखिए राहुल, जिस तरह से पंडित जी बता रहे थे कि आज के दिन का महत्व क्या है। एक छोटा सा सवाल सुरेंद्र सोनी कुमार से कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाएं। आप तस्वीरें लगातार सुरेंद्र दिखा रहे हैं, पंडित जी अगर हो तो उनसे पूछे कि अगर ये कुंभ के दायरे में होता तो क्या कुछ महत्वपूर्ण होता। Thank you.
पंडित जी, एक सवाल मेरा ये है जो हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं, अगर कुंभ का नोटिफिकेशन हो गया होता और ये कुंभ के पर्व स्नान में आता तो इसका फिर इसकी दिव्यता अलौकिकता किस तरह नजर आए? दिव्यता और अलौकिकता तो ये हरिद्वार का जो है, ऐसे भी जो है जी प्रभु यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, लेकिन शासन और प्रशासन अपनी सुरक्षा के कारण, पब्लिक की कोरोना काल के कारण नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, और है ना, नोटिफिकेशन जारी करने के बाद और ज़्यादा भव्य और दिव्य दिखाई पड़ता। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए राहुल, जिस तरह से पंडित जी भी ये कह रहे हैं कि अगर नोटिफिकेशन हो गया होता तो और ज़्यादा लोग आते, और ज़्यादा भीड़ दिखती। राहुल, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, विजय सोनी कुमार तस्वीरें भी दर्शकों को दिखाते रहेंगे, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो स्नान है, जो शाही स्नान है, जो पेशवाई है, देखिए वो तय समय पर अपने हिसाब से वो चलती रहेंगी। हाँ, ये ज़रूर है कि जो पहला शाही स्नान है वो इस बार कुंभ की परिधि में नहीं होगा, यानी कुंभ के नोटिफिकेशन के दायरे में नहीं होगा। तीन जो शाही स्नान अप्रैल के महीने में आएंगे वो कुंभ के नोटिफिकेशन में आएंगे, यानी एक दिव्यता, एक भव्यता अगर कुंभ के अंतर्गत होती तो बहुत ज़्यादा होती। लेकिन ये तस्वीरें सुकून देने वाली इसलिए हैं राहुल, क्योंकि हमारे जो सनातन धर्म के लोग हैं वो लंबे समय से उम्मीद कर रहे थे कि कोरोना कम हो, खतरा कम हो, वो इस तरह अपने परिजनों के साथ गंगा स्नान के लिए पहुंच सके, प्रयागराज पहुंच सके, हरिद्वार पहुंच सके। और ये तस्वीरें बताती हैं कि आस्था के आगे कितनी बड़ी कठिनाई हो वो छोटी साबित होती है। तो ये तस्वीरें बताती हैं, आस्था के आगे कितनी भी बड़ी कठिनाई हो वो छोटी ही साबित होती है, इन तस्वीरों के जरिए ये कहा जा सकता है। रुकते हैं कुछ पलों के लिए, खबरें जारी। प्रस्तुत करता असी संपूर्ण पशु आहार, बेहतर दूध, बेहतर स्वास्थ्य, सालों साल।